सीएम और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है, जम्मू कश्मीर के साबिक डेप्यूटी सीएम और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन सीटों पर हमने जीत हासिल की है। फॉरवर्ड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, कैसे देखते हैं इलेक्शंस को पूरे भारतवर्ष में के साथ जम्मू कश्मीर? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी, विजय प्राप्त की है और खास करके इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे उनको लोगों ने नकारा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों। और जहाँ तक पूरे देश के प्रदेश का सवाल है तो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जो हमारा एक लक्ष्य था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम उभर करके आए हैं, सरकार हम ही बनाएंगे। तो साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको थोड़ा धचका लगा है कि वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है, वजह क्या रही होगी ये बता सकते? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब जीत हार होती है तो उस पर मंथन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी डिसीजन भी सामूहिक लेती है और जो चिंतन भी सामूहिक करती है, तो मुझे लगता है इस हार का क्या कारण रहा, इसके लिए मंथन होगा, तो अगर कहीं कमी रही तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, यही एक मैं सही शब्दों में कह सकता हूँ। असेंबली को कैसे देखते हैं आप, क्या परफॉर्मेंस रहेगा अगर ये इलेक्शन जहन में रखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरी वो रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन हमने अधिकांश सीटों को जीता है। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार से गठबंधन यहाँ पर लोकसभा में इकट्ठा था, लेकिन जब राज्य का इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक बात है ये अपने अपने तौर पर लड़ेंगे, तो जीत को सुनिश्चित करेंगे और सरकार बनाएंगे, लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और नायब सदर रविंदर शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने जम्मू और उधमपुर दोनों सीटों पर वोट शेयर को बेहतर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अच्छा मुकाबला किया। आइए सुनते रविंदर शर्मा क्या कहते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ये चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो आज आकलन हुआ, पहले आप ये 2 सीटें जो है, और मैं लद्दाख को भी फिर बाद में जोड़ूंगा, लेकिन पहले ये 2 सीटें जम्मू और उधमपुर की, इस पे आपने कड़ा मुकाबला किया। देखिए, दावे तो हमारे विरोधी भी कर रहे थे, वो तो 400 पार का दावा लेकर के चले थे और 370 वो कहते थे, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर को ही मुद्दा बना के चुनाव लड़ा कि 370 बीजेपी लेगी, हालांकि 303 से घट करके 235-40 पे आ गए। एक मॉरल डिफीट है बीजेपी की, अगर देखा जाए बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने रखा, हमारा भी आंकड़ा था। लद्दाख में तो सीट हमारे पास नहीं थी, वो बीजेपी के पास थी, बीजेपी हारी है, हमने जीतने की कोशिश की, हम नहीं जीते, लेकिन एक नॉन बीजेपी जो कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का है या नहीं, लेकिन यह है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, बीजेपी ने वो सीट हारी है। जम्मू की दोनों सीटों पर बड़े भारी बहुमत से बीजेपी पिछली बार जीती थी, 3,03,000 के लीड से यहाँ से जीती थी और वहाँ भी बहुत बड़े आंकड़े से उधमपुर से जीती थी, लेकिन इस बार आप आंकड़ा देखिए और इन्होंने जो डिलिमिटेशन की वो इस नज़रिए से भी की, क्योंकि 4.25 लाख वोट पिछली बार कांग्रेस को रजौरी पुंछ से मिला था, वो काट करके अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया, यहाँ पे इंडिया अलायंस जीत गई। और जम्मू में हमको अगर 1.25 लाख से हार हुई है तो पिछली बार 4.25 लाख की लीड काटने के बाद भी बीजेपी 3,03,000 से जीती थी, 8,58,000 वोट था उनका, लेकिन ये अगर आंकड़े के हिसाब से देखेंगे वो चाहे ज़रूर जीते हों लेकिन कांग्रेस का ग्राफ बहुत बड़ा, जबकि वो कहते थे कि 370 के बाद हमने जम्मू का दिल लूट जो है जीत लिया है, तो कहाँ जीता है? अगर जम्मू और उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी, जो हार्ट ऑफ जम्मू ने इतना विरोध किया है, मुकाबला किया है, कांग्रेस को इतना वोट दिया है, उधमपुर में भी इतना वोट दिया है, जरूर हम आंकड़ों में हारे हैं लेकिन हम इसको जीत समझते हैं। पार्लियामेंट में आप अगर पिछले 7 इलेक्शन देखेंगे तो बीजेपी तकरीबन इन सीटों पे पार्लियामेंट में जीती थी, वहाँ से 2014 वो असेंबली में हमेशा हारती रही है, इसलिए जब असेंबली आएगा तो उसका रिजल्ट अलग होगा। यहाँ उम्मीद जग गई है कि कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं, ठीक है, इस वक्त उनका पैमाना सेंटर था,
उन्होंने और सोचा होगा, और ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी वो ईवीएम से या उससे दिखी नहीं, अब उसका आंकलन करेंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं कि अगर ये हारे भी हैं सीट, लेकिन इनका मार्जिन बड़ा है, जो इनके वोट शेयर है यहाँ बड़ा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और इसके साथ